नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। आपने लॉग इन किया है फिल्मी बीट। तिग्मांशु धूलिया की मल्टी स्टारर फिल्म साहिब बीवी और गैंगस्टर 3 बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गई। इस फिल्म को दर्शकों ने सिरे से नकार दिया। संजय दत्त की एंट्री भी कोई खास असर नहीं डाल पाई। लेकिन इन सब के बाद अब डायरेक्टर तिग्मांशु धूलिया डिप्रेशन में है। जी हाँ, डिप्रेशन में चले गए हैं तिग्मांशु धूलिया। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में तिग्मांशु धूलिया ने कहा कि मुझे नहीं पता कि गलती कहाँ हुई, मुझे बस बहुत बुरा लग रहा है। बेशक मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं इन सब के लिए सिर्फ खुद को जिम्मेदार मानता हूँ। आखिरकार ये एक फिल्म है, मैं अगली फिल्म से ध्यान दूंगा। जब तिग्मांशु धूलिया से पूछा गया कि क्या वो चौथा पार्ट बनाएंगे, तो उन्होंने कहा कि फिलहाल ये तय नहीं है। साहेब बीवी गैंगस्टर के पिछले 2 पार्ट काफी सफल रहे थे, इस कारण पार्ट 3 से भी काफी उम्मीदें थी, जबकि इस बार तो संजय दत्त की भी एंट्री थी। लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसका कारोबार पहले दिन से ही ठंडा रहा। संजय दत्त के अलावा इस फिल्म में जिमी शेरगिल, माही गिल और चित्रांगदा सिंह भी थे। संजय की एंट्री ने फिल्म के सफल होने की उम्मीदें बढ़ाई थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिल्म का बजट तकरीबन 20 से 25 करोड़ था। फिल्म को लगभग 1500 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था, लेकिन फिल्म अपने पहले वीकेंड पर सिर्फ 5.25 करोड़ ही कमा पाई और अब तक इसकी कमाई लगभग 7.5 करोड़ तक बताई जा रही है। बुरी तरीके से यह फिल्म गिर गई बॉक्स ऑफिस पर और इन सब के चलते तिग्मांशु धूलिया है डिप्रेशन में। इस वीडियो में इतना ही।